हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ एक बैंक अकाउंट किसी के लिए काफ़ी होगा। मतलब सिर्फ एक बैंक अकाउंट अगर हमारे पास हो तो क्या वो हमारे लिए काफ़ी होगा। उस एक बैंक अकाउंट से हम अपने सारे बैंकिंग के काम कर ले जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी बैंक बेस्ट नहीं होता है कि आप किसी बैंक को बेस्ट का खिताब दे दें, अवार्ड दे दें किसी बैंक को, ये बैंक जो है बेस्ट है, फला बैंक बेस्ट है, HDFC बैंक बेस्ट है, या ICICI बैंक बेस्ट है, या एक्सिस बैंक बेस्ट है, या SBI बेस्ट है, या XYZ कोई दूसरा बैंक बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस कि हर मामले में बेस्ट है, हर मामले में अच्छा है, सबसे अच्छा है हर मामले में, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो ब्रांच की सर्विसेज हो, हर मामले में कोई बैंक ऐसा है ही नहीं कि जो परफेक्ट हो, मतलब एकदम कोई कमी ही ना हो, एकदम जो है अच्छा हो, सबसे अच्छा हो बिना किसी कमी के, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन सा बैंक बेस्ट है कि उस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करा लें और बाकी हमें फिर कभी भी दूसरे बैंक की ज़रूरत ही ना पड़े कि हम किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएँ, तो मेरे ख्याल से तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत है कि कौन सा बैंक बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस कि अगर आप ऐसा सोचें कि कोई एक ऐसा बैंक हो जो सबसे अच्छा हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आपको कोई भी ऐसा बैंक नहीं मिलेगा। हर बैंक में कुछ ना कुछ कमी होती है, कहीं ना कहीं कमी होती है। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक हो, मतलब सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा हो या फिर प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक हो, सबसे नामी बैंक हो, तब भी कमी आ सकती है, कोई ना कोई आपको कमी देखने को मिल सकती है। और इस टाइम पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स ओपन कराए और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि अगर मेरा एक बैंक अकाउंट सिर्फ होता तो क्या मेरा काम चल पाता, क्या वो मेरे लिए इनफ होता, तो ये सवाल मैंने खुद से किया। तो इसका जवाब मुझे मिला कि नहीं, अगर मेरे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होता और मैं ये सोचता कि उस एक बैंक अकाउंट से मैं अपने बैंकिंग के सारे काम कर ले जाऊंगा, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों? इसका जवाब अब यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, जो सर्वर होता है या फिर जो बैंक का सिस्टम होता है, आजकल सारे बैंक्स जो है ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम आपको दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन आपको मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि सारी फैसिलिटीज़ जो पहले आपको ब्रांच से मिलती थी, अब वो आपको ऑनलाइन मिल रही है। बहुत ही कम आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, बहुत ही कम कामों के लिए। अदरवाइज आप अपने खुद के बैंकिंग के जो काम है वो खुद से ही कर सकते हैं ऑनलाइन। मोबाइल बैंकिंग का ज़माना है, नेट बैंकिंग का ज़माना है, या फिर आप कह लीजिए इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है। अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करने हो, पैसे भेजने हो, तो वो आप खुद से कर सकते हैं, चाहे वो UPI के ज़रिए से करें या फिर जो है मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके IMPS NEFT RTGS के ज़रिए से करें, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके IMPS NEFT या फिर RTGS के ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करें, या फिर अगर आपको कोई और सर्विस अवेल करना हो तो वो सर्विस भी अब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये फैसिलिटी अब आपको ज़्यादातर बैंक देते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि सारे बैंक बिल्कुल परफेक्टली काम नहीं करते हैं कि एकदम जो है परफेक्टली सारे बैंक जो है काम करें, कभी भी उनका काम ना रुके, कभी भी उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी उनका सर्वर डाउन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई तो ऐसा बैंक होगा कि जिसका सिस्टम हर टाइम पे काम कर रहा होगा, सालों साल काम कर रहा होगा, जिसका सर्वर कभी ख़राब ना होता होगा और सालों साल ऐसे ही चलता होगा, तो ये आप अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कोई सा भी बैंक हो, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी अमीर बैंक हो, तो ये जो सर्वर्स होते हैं, ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये सारा मशीनरी का काम होता है, सब मशीन से चलते हैं, और मशीनों का तो आप लोग जानते ही हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी उसमें आएगी, खराबी आएगी, चाहे वो छोटी मोटी खराबी ही क्यों ना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन है तो वो कभी खराब ही ना हो, उसमें कोई खराबी पैदा ही ना हो। तो इसलिए बैंक चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी अमीर हो, कभी ना कभी उसके सर्वर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है, तो कभी कभी को सर्वर डाउन रहता है, सिस्टम डाउन रहता है और अंडर मेंटेनेंस रहता है, मतलब जो खराबी जो कमी आती है उसको सही करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो कभी ना कभी तो सर्वर आपको डाउन देखने को मिलेगा, या अंडर मेंटेनेंस जिसको हम कहते हैं, सिस्टम डाउन देखने को मिलेगा, सर्वर में कुछ या सिस्टम में एरर आएगा, तो उस एरर को ठीक करेंगे तो ठीक करने में टाइम लगेगा,
और ये किसी भी बैंक के सर्वर और सिस्टम के साथ में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत अमीर बैंक है, कोई बहुत बड़ा बैंक है, तो उनके सर्वर उनके सिस्टम में कोई खराबी कभी आएगी ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि वो जल्दी से उसको जो है ठीक कर ले जाएंगे, जल्दी से उसको रिकवर कर ले जाएंगे। तो मैंने ये जो सर्वर डाउन या फिर सिस्टम डाउन वाली प्रॉब्लम है वो फेस करी है काफ़ी सारे बैंकों में। जैसे कि मेरे पास HDFC बैंक का भी अकाउंट है, तो HDFC बैंक में भी देखा है कि कभी कभी को उनका सर्वर डाउन रहता है, सिस्टम डाउन रहता है, मतलब अंडर मेंटेनेंस रहता है, तो कुछ सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, और उसमें से फंड ट्रांसफर की भी सर्विसेज कभी कभी को अवेलेबल नहीं रहती हैं। हालांकि बैंक पहले से ही नोटिफाई कर देता है, पहले से ही हमें जानकारी दे देता है ईमेल के जरिए या SMS के जरिए कि हमारा सिस्टम डाउन रहने वाला है इस डेट को, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक। मैं आपको यहाँ पे ईमेल भी दिखा देता हूँ। तो बैंक एक तरह से पहले से ही हमें ये नोटिफिकेशन भेज करके जानकारी दे देता है कि हमारा जो सिस्टम या हमारा सर्वर अनअवेलेबल रहने वाला है या फिर अंडर मेंटेनेंस रहने वाला है, काम नहीं करेगा। डेट भी बता दिया जाता है कि इस डेट को इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक। आप यहाँ पर ईमेल देख लीजिए, ये HDFC बैंक का मैं दिखा रहा हूँ, और इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका भी कभी कभी जो सिस्टम अंडर मेंटेनेंस रहता है, मतलब काम नहीं करता है, तो वो जो है उनका समझ लीजिए सिस्टम सही होता है, सही करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए जब तक उसको सही करते हैं तब तक के लिए वो काम नहीं करता है। और आप यूको बैंक की वेबसाइट पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि IMPS की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, और मैंने ये कंफर्मेशन के लिए खुद उनके कस्टमर केयर से भी बात करी, और मैंने खुद ट्राई भी किया IMPS से फ़ंड ट्रांसफ़र करके, लेकिन नहीं हो रहा है। इस टाइम पे IMPS की जगह पे UPI या फिर NEFT या RTGS का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मतलब दूसरे पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे तरह से हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है बैंकों के साथ में। और यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा बैंकों के एग्जांपल्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बैंक ऐसे हैं कि जिनका सर्वर डाउन रहता है या जिनके सिस्टम में कोई इशू आता है या कोई सर्विस इनकी बंद हो जाती है। दूसरे भी बैंक्स हैं, दूसरे भी बैंकों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे ख्याल से तो हर बैंक में कुछ ना कुछ इशूज़ आते हैं, तो कोई बैंक बेस्ट नहीं है, कोई बैंक परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर खुद सोच लीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होता, मान लीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ यूको बैंक का अकाउंट होता और मुझे IMPS ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत होती, तो मैं नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। या फिर आप मान लीजिए कि अगर मेरे पास सिर्फ HDFC बैंक का अकाउंट होता और मुझे ज़रूरत पड़ती फ़ंड ट्रांसफ़र की उसी डेट को, जिस डेट को इनका सर्वर डाउन या फिर सिस्टम डाउन था, जिस डेट और टाइम को इनकी सर्विस बंद थी, जो सर्विस मुझे चाहिए थी, जिस सर्विस की ज़रूरत थी, वो सारी सर्विसेज बंद थी, तो मैं क्या करता? अगर मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत होती ऐसी सर्विसेज के इस्तेमाल की, जो सर्विसेज बंद हैं सिस्टम डाउन होने की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से, तो मैं क्या करता? और मेरे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होता, तब क्या होता? और इसी तरह से मान लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड की मुझे ज़रूरत होती है, कि डेबिट कार्ड से मुझे ट्रांजेक्शन करना है या फिर पैसे निकालने हैं, और उसी टाइम पे जो है एकदम इमरजेंसी है, उसी टाइम पे सर्विस डाउन है, सर्विस जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, अभी बंद है सर्विस, तो फिर क्या होता? तो इसका सोल्यूशन तो बस मेरे पास एक ही था कि मेरे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो, तो अगर एक बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन है, सिस्टम डाउन है, तो मैं दूसरे बैंक अकाउंट से काम चला लूँगा, दूसरे का डाउन है तो तीसरे से काम चला लूँगा। तो इसलिए मैंने जो है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन कराए, ताकि अगर किसी एक में प्रॉब्लम आए तो मैं दूसरे या फिर दूसरे से तीसरे का इस्तेमाल कर सकूं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए है कि सिर्फ एक बैंक अकाउंट पे ही आप डिपेंडेंट रहें। तो मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी समझ से आपके पास कम 3 बैंक अकाउंट होने चाहिए हैं। अब वो चाहे तो आप सरकारी बैंकों में अपना खाता खुलवा लें, या चाहे तो आप प्राइवेट बैंक्स में अपना खाता खुलवा लें, या फिर आप चाहे तो दोनों में अपना खाता खुलवा लें, वो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप कौन कौन से बैंक को रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ बैंकों के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कराना है, तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये 3 बैंक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा। और इसी तरह से अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI है, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो 6 बैंक्स तो मैंने ऐसे ही बता दिए। इनमें से आपको बस 3 में अपना अकाउंट ओपन कराना है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सही लगे, उनमें आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। इसके अलावा भी मैं कुछ बैंकों के नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक कोई बुरा बैंक नहीं है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है।
तो इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो एक तरह से मैंने आपको 8 बैंकों के नाम बता दिए हैं, अब आप जिस बैंक में चाहे उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी आपको अदर अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अप्लाई करने हो तो उसके भी आपको लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।